इधर रांची के जेएमएम कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और पीसी को संबोधित करते हुए जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए और शराब घोटाले मामले के मुख्य आरोपी योगेंद्र तिवारी के साथ भाजपा के 60 गांठ पर जेएमएम ने राज्य सरकार से एसआईटी गठित कर जांच करने की मांग की है। मुख्य पूजा 7वें दिन आपका बहुत बहुत अभिनंदन। कल विवरण के साथ हम लोगों ने इस शारदीय नवरात्र में प्रवेश किया था और आज सभी प्रिंट मीडिया में एक बहुत प्रमुखता से खबर छपी योगेंद्र तिवारी जी के बारे में। आपको शायद याद होगा कि आज से लगभग 3 महीना पूर्व आप लोगों से बात करते हुए हमने इन बातों को उद्धृत किया था और जिस एक बड़े साजिश की आशंका हमने की थी वो अब एक स्वरूप ले रहा है। योगेंद्र तिवारी मात्र एक प्यादा, एक छोटा सा प्यादा इस भ्रष्टाचार के षड्यंत्र में, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। क्योंकि जहां से योगेंद्र तिवारी का जन्म हुआ था कारोबार की दुनिया में, उस वक्त जो कंपनी बनाई गई थी उसमें योगेंद्र तिवारी के साथ साथ इस प्रदेश के भाजपा के एक बहुत बड़े नेता, उनके भी सगे संबंधी थे, उनके जो सबसे निकट के व्यक्ति हैं, जो अपने आप को उनका सचिव कहता है, राजनीतिक सचिव, उनकी भी पत्नी का नाम था सुनील तिवारी जी का, और भी कई सारे थे। और तभी से कारोबार शुरू हुआ, उस वक्त भी हमने आप लोगों को कहा था कि किस प्रकार से जमीन हड़पी गई, शराब के धंधे में उनका प्रवेश हुआ, ये सारी बातें सबके सामने 7वें